बेटा ये 5 क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करो फटाफट। बेटे आपको रिवीजन में ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप एक बार ट्राई करके देखें, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आपका हो जाते हैं तो मतलब ठीक है आपके स्कूल है। सेकंड क्वेश्चन में ठीक तो है, क्वेश्चन तो ठीक है, वो आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है ना। उसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें पर्टिकुलर फॉर्मूले के मेथड है, वो आपको मेथड याद रखने होंगे। तो आप इसके एग्जांपल और 7.2 की अगर आपने नहीं किए रिवाइज, तो रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है? इसलिए आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, इस बार ना आपका रिविजन होता रहेगा, ठीक है? दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि है ना आपकी क्लास वैसे हो नहीं पाई है। तो इसमें तो आपने एक्स कॉमन लेके है ना, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस हो गया, इसको टी लेट कर लेंगे। इसमें क्या करना है, ई की पावर एक्स का डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर में, यहाँ आप इसको डिनोमिनेटर में आप कॉमन लेके टू, फिर उसको टी लेट कर लो, ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट करेंगे तो हो जाएगा ये रूट टेन एक्स है, तो यहाँ पर कॉस एक्स का आप डिवाइड करते हैं है ना, ये टेन एक्स बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। फिर इसको भी टेन एक्स लिख लेंगे तो 1/√10x और ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर टेन एक्स को आप सिमुलेट करते हैं, ठीक है? इसके 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे, 5 मैंने आपको बता भी दिया, वैसे अधिकतर बच्चे ने कर लिए खुद, ठीक है? अगर अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप रिवाइज जरूर कर लेना और एग्जाम्पल भी करना है इसके, है ना? तो 7.3 तक आपका रिविजन हो चुका है ना, आप कल जो है आप 7.4 कर रहे हैं, ठीक है? अब वो निकाल लेते हैं हम, आगे जो हमारे एक्सरसाइज चल रही थी कहाँ पे थे, टेन पॉइंट फोर कर रहे थे ना। बेटे कहाँ तक कर लिया था, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था ना, 5 का सिक्स क्वेश्चन देखो। सिक्स में क्या है, ये दो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, ये एक वेक्टर है आपका 2y प्लस 6k प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल टू जी है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया गया है। तो दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो उनके जो कोफिशियंट होंगे, आई जे के जो कोफिशियंट होंगे वो इक्वल होंगे। अब आप क्या करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालें,
क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं वो मैट्रिक्स वाले मेथड से निकालते हैं, उसी हिसाब से निकाल लो आई जे के टू। अगर आपसे आता है तो आप करते रहो, खुद करते रहो, ऐसे ही नहीं, ये तो मैं सब बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो आप देखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हमने नल मैट्रिक्स दी हुई, जीरो का मतलब है ये नल मैट्रिक्स या जीरो नल नल वेक्टर है ना। मैट्रिक्स है तब भी यहाँ पर अभी पहले हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा आई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 μ - k 27 λ। इसी तरीके से माइनस जे आएगा, जब के की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 μ - k 27। ठीक है, फिर के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2λ - 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है ये 0 × i है, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं उसी तरीके से 0 × j नल वेक्टर है, 0 × k। तो आई जे के जो कोफिशिएंट है वो आपको इक्वल रखना है, बस इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन तो इससे बन गई आपकी 6 μ - 27λ = 0, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी आपकी 2μ - 27 = 0। थर्ड कितना है, 2λ - 6 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27/2 हो जाएगी। अब एक बार चेक करके देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना, 3 6 18 कहीं गड़बड़ है क्या। ये हमने आई जे के की वैल्यू तो चलो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें जो आपको दिया हुआ था पर इसमें प्रॉफिट दिया होगा, हमें लैम्डा में ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, इसका आपका मेथड यूज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना है आपका, ए भी 0 है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 है, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, तो आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, अगर हमने ये माना कि अगर मान लो ए और बी 0 नहीं है, है ना, ए वेक्टर बी 0 नहीं है एंड बी 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए वेक्टर वेक्टर, अगर हमने सपोज कर दिया तो, है ना, अगर यहाँ पर फिर इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर 0 नहीं है, तो ये भी क्योंकि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है ना, इसमें से इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, कोई दोनों में से एक जरूर नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों चीज सिमल्टेनियसली नहीं हो सकती, ये परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लेट द वेक्टर ए बी सी, अच्छा ए वेक्टर है और वेक्टर ए वेक्टर है आपका ए वन आई
टू जे ए थ्री पे और बी वेक्टर है आपका बी वन आई बी टू जे बी थ्री को और सी वेक्टर है आपका सी वन आई या सी टू जे सी थ्री। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर वो बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल में प्रूव करना है। तो हमने जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं पहले हमने क्या करा ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस वेक्टर निकालने के लिए हम पहले एक एक ऑप्शन लिखते एक एक ऑप्शन कितना है ए वन आई ए टू जे और ए थ्री जे मैंने डायरेक्ट लिख दिया और बी प्लस सी करेंगे तो बी वन प्लस सी वन हो जाएगा यहाँ बी टू प्लस सी टू हो जाएगा और यहाँ पर बी थ्री प्लस सी थ्री हो जाएगा। ठीक है भाई हमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का तो बी और सी को तो हमें प्लस करना होगा तो बी और सी को तो प्लस करके हमने यहाँ लिख दिया और जो ए वेक्टर है वो हमने यहाँ लिख दिया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम वही मैट्रिक्स वाले मेथड से निकालना। देखिए मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है दो टर्म अगर प्लस में लिखी हुई है तो हमको उनको दो पार्ट में अलग कर सकते हैं ना। तो वो प्रॉपर्टी का अगर हम यूज कर लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा आपका आई जगह काम हो जाएंगे ऊपर लिख देते हैं I J K plus I A one A two A three यहाँ भी आपका B one B two B three A one A two A three B C one P2, C3 है ना। ये मैट्रिक्स डिटरमाइंड प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था ना था तो फिर कैसे करोगे फिर तो सॉल्व करके करना पड़ेगा फिर अगर आप डिटरमाइंड की प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हो तो इसको आप उसको एक्सपेंड करो एक्सपेंड कर लेते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसको अगर डिटरमाइंट की प्रॉपर्टी का जो है ये एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं अगर से हट गया है तो आप इसको एक्सपेंड कर दें तो इसको एक्सपेंड करके हम लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये आ रहा है आपका ए टू बी थ्री ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार है? चलो ये कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे
इसको एक्सपेंड ही कर दो। ठीक है, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालना। राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाएगी। देखो इसको करते हैं, इसकी वैल्यू लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका जो मल्टीप्लीकेशन हमें अलग करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये आपका ए बी के ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड करके दोनों को आप ऐड करोगे और जो हमारी पहले वैल्यूज आई हैं इनसे है ना मिलता हुआ जाएगा। उसमें आई वाली आइटम हम अलग कर लेंगे और जे वाली आइटम अलग कर लेंगे। जो ये वाली कम आई है ना, जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है ना। पहले तो है सेम ही आ जाएगा, पहले तो हम प्रॉपर्टी का यूज करते थे, है ना, प्रॉपर्टी का यूज करके वो एक ही स्टेप में हो जाता था। अब तो चीजें खोलना पड़ रहा है, आप बता रहे डिपेंडेंट वाला हम घटा दिया है ना प्रॉपर्टी का, तो इसलिए हम इस तरह लाइन भी हो गए, प्रॉपर्टी से तो वाला अलग हो जाते हैं और एक लॉसी और प्लस एक लॉसी हो जाते हैं, दो ही स्टेप में हो जाता है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, दोनों में से एक भी अगर जीरो होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इफ द कन्वर्स इज टू, कन्वर्स टू होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ पहले लोगे तब भी जीरो हो जाएगा, है ना, जरूरी नहीं है कि वो ए और बी जीरो हो। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नाइन है, नाइन में क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, वर्टिस जो दी हुई है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो आपको कल फार्मूला बताया था, है ना, निकालो एरिया निकाल के दिखाओ फटाफट, कौन पहले कट दिखाता है,
एरिया का फॉर्मूला याद है ना, क्या फॉर्मूला था? जो भी जो आप वर्टिसेस दी हुई है, पहले आप उनके वर्टिसेस की पोजीशन वेक्टर लिख लो, ए बी सी है ना। तो आप बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा और बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, कोई सा भी वेक्टर निकाल। फिर 1/2 बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई से भी ले सकते हो, चाहे ए बी क्रॉस ए सी ले लो, चाहे बी ए क्रॉस बी सी ले लो, चाहे सी बी क्रॉस सी ए ले लो, क्योंकि ये कोई वर्टिसेस दी हुई है। वर्टिसेस दी हुई है तो पहले हमें वेक्टर निकालने पड़ेंगे उनकी साइड से, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, अब करके आपको दिखाना। कितना आ रहा है? √61। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या करना है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे करेंगे बताओ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है ना। ये तो साइड ही दी हुई है, यहाँ पे क्या दी हुई थी? वर्टिसेस दी हुई थी, तो हमें यार वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधा कितना हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का मैग्नीट्यूड 2/3 और साइन थीटा 3, और इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना। 3 से 3 का आंसर होगा 1/√2 हो गया, 5/4 आ जाएगा। √5/2 कह रहे थे। फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, रेक्टेंगल दिखाना है। तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो ए बी और ए सी निकाल लो। जैसे पैरेललोग्राम में जो है एरिया निकालने के लिए हमें ए क्रॉस बी करेंगे, ये वर्टिसेस दी हुई है तो ए बी क्रॉस ए सी करेंगे, दो साइड निकाल के उसका आप एरिया निकाल लो। निकाल लो फिर, है ना। यहाँ इसको क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कर लेते हैं। बीस में बात कराएं या कल कराएं? चलो हम इसी कल करा देंगे, कोई बात नहीं। कितने मिनट बाकी हैं? क्वेश्चन इंटीग्रेशन को दे देते हैं अपने। पहले इंटीग्रेशन किसी का स्ट्रॉन्ग है? चलो ठीक है, इसी में से देखते हैं। कोई नहीं, तो ये 10.4 कर लेना और 7.4 रिवाइज करके लाएंगे, है ना। और मैं 7.2 भी दे देता हूँ और क्वेश्चन में आपसे। 7.1 में देखते हैं, 7.1 में तो कोई मुश्किल नहीं है। 7.1
ये करना x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर है, कितना हो गया? आराम से आराम, क्या है यार, कैसे किया था? नहीं tan square x बराबर 1 plus sec square x, ये tan square x हुआ ना, tan square x तो sec square x minus 1 लिखेंगे है ना, तो sec square x तो क्या हो जाएगा tan x वन का है ना, तो बहुत सिंपल लेकिन उसमें गलत करती है। थोड़ा और तो सिंपल ही लग रहा है, साइन क्यूब एक्स का कैसे करोगे? करके दिखाओ, साइन क्यूब एक्स का करो, नहीं जो आप कह रहे हो साइन नहीं, वैसे भी हो जाएगा, हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फिर वहां पर टी लेट कर लेंगे, कॉस एक्स तब वैसे भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। साइन इनवर्स कॉस एक्स का टू कॉस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताओ टू कॉस कॉस बी, हाँ तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, देखो फॉर्मूले याद नहीं होंगे फिर है ना, आता भी होगा मैथड तो भी फिर गलती हो जाएगा ना, फॉर्मूले याद रखने की जरूरी है। अच्छा टू साइन एस एन बी का बताओ, आप गलत है, लिख के देखो सबने लिख के देखो, फिर मैं बता दूंगा, फिर मिला लेना सही है कि गलत है। टू साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो है ना, ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अच्छा वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स को कैसे करोगे? करो करके दिखाओ, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स,